फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसे कि आप लोगों ने मेरा टाइटल देख ही लिया होगा कि मैं आज किस बारे में आप लोग को बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। चलिए अभी आपको लेकर चलती है चना दाल और तूर दाल। ये बहुत ही पॉपुलर दाल्स होती है इंडिया में। अगर आप लोग न्यू हो इंडियन कुकिंग के लिए तो बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, बिकॉज़ ये दोनों दाल जो है ना दिखने में बिल्कुल सिमिलर लगती है। दोनों येलो कलर में हैं, बहुत ही बारीक सी डिफरेंस है इन दोनों में। मैंने आपको यहाँ पर बताना है, आप देख सकते हो दोनों दाल जो है ना एक जैसे ही दिखने में लगते हैं, बट ये जो चना दाल है, ब्लैक चिकपी जो होता है, जो अपना चना होता है उसका स्प्लिट ग्राम होता है, और ये जो तूर दाल है इसको पिजन पी बोलते हैं। और चना दाल जो है ना थोड़ी सी लार्ज होती है, थिक होती है और बम्पियर होती है, मतलब थोड़ी सी हार्ड जैसी नज़र आती है। आप देख सकते हो कि ये किस तरीके सी है। ये जो है ना चना जो होता है हमारा, उसका जो है ना स्प्लिट है ये। और ये जो है हमारी तूर दाल, ये बहुत ही फ्लैटर होती है, स्लाइटली और स्मॉल होती है। और ये देखिए, आप इसमें देख सकते हो बहुत ही इसका स्मूथ फिनिश होता है इसका। तो आप है ना बिल्कुल ही आराम से जो है ना इसका दोनों का डिफरेंस देख सकते हो। जब आप कॉल गए, कलर जो है येलो, दोनों का येलो होता है। और जो है ना चना दाल जो होती है वो है ना कुकिंग टाइम उसका ज़्यादा होता है, और जो हमारी तूर दाल जो कि पिजन पी होती है उसका कुकिंग टाइम बहुत ही कम होता है। और ये जो है ना चना दाल जो होती है, हम इसका जो पाउडर्ड फॉर्म होता है वो कि बेसन होता है, जिसका इस्तेमाल हम पकौड़े वगैरह में करते हैं। और तूर दाल जो है ना, जैसे कि हमारी दाल होती है, सांभर होता है, ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। तो आप बहुत ही आराम से, ये जो है मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जो चना होता है ये वाला होता है ब्लैक चना, इससे जो है ना हमारी ये चना दाल आती है। नाम से ही आपको स्पेसिफाई होता है कि चना से चना दाल होती है। और ये तूर दाल जो है, देखिए आप, बिल्कुल ही स्मूथ और स्लिपी टाइप फ्लैटर्ड होती है, और ये जो है थोड़ी सी खुरदुरी होती है। तो आप दोनों में बहुत ही अच्छे से जो है डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ कलर से जो है ना जाए, दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। और जो है ना इंग्लिश में इसको बंगाल ग्राम कहते हैं चना दाल को, और जो है तूर दाल को पिजन पी कहते हैं। में चना दाल ब्लम्पी होती है और तूर दाल जो होती है वो फ्लैट होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।